कल अफजाल अंसारी जो समाजवादी पार्टी के झुंड में घुस के संसद में चले गए, मेरी सरकार से ये मांग है कि इनके पे ट्रेसपासिंग का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये संसद की सुरक्षा के लिए खतरा है। संसद में घुस कैसे गया वो व्यक्ति जो संसद में जाने के लिए प्रोहिबिटेड। ये लोग आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं, माइंडसेट इनका क्रिमिनल है। ये लोग केवल गैंगवार में चुनाव को जीन लिया कि जनता को फंसा के चुनाव जाति और धार्मिक उन्माद पे लड़ के चुनाव लड़ते हैं लोग। सामाजिक सरोकार इनका रहा नहीं है कोई। ये तो क्लियर कट वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का पहले से, ये अफजाल अंसारी संसद के किसी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते, वेतन भत्ता नहीं पा सकते, वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, और जब तक हाईकोर्ट के फैसले नहीं हो जाते हैं। चुनाव लड़ने की बात चूंकि कन्विक्शन को स्टे कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो चुनाव लड़ने का अधिकार फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति का, इसलिए उस पर उसने रिलैक्सेशन दे दिया था कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। जब स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी चीज़ें उसने क्लियर कट कही थी कि आप सांसद होने के बावजूद संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, संसद में नहीं जाएंगे, आपको वोटिंग राइट नहीं है। और कल अफजाल अंसारी जो समाजवादी पार्टी के झुंड में घुस के संसद में चले गए, मेरी सरकार से ये मांग है कि इनके पे ट्रेसपासिंग का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये संसद की सुरक्षा के लिए खतरा है। संसद में घुस कैसे गया वो व्यक्ति जो संसद में जाने के लिए प्रोहिबिटेड, तो इन पे मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और इनको जेल में डालना चाहिए। ऐसे में देखा जाए कि जब इनको पता था कि शपथ ग्रहण में इनके सस्पेंशन हो सकता है, लेकिन जब लगातार जो कार्यक्रम कर रहे थे पिछले दिनों, और हर चुनावी कार्यक्रम में जो है शपथ ग्रहण के डेट को लेकर सरकार पर निशाना भी साध रहे थे कि सरकार जो है ज़्यादा लेट कर रही है शपथ ग्रहण के तिथि को लेकर। देखिए, शपथ ग्रहण में अगर वो जाहिल हैं, अगर उन्हें ये समझ नहीं है, अपने को कहते तो हैं कि बहुत दिन से हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये लोग आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं, माइंडसेट इनका क्रिमिनल है। ये लोग केवल गैंगवार में चुनाव को जीन लिया कि जनता को फंसा के चुनाव जाति और धार्मिक उन्माद पे लड़ के चुनाव लड़ते हैं लोग। सामाजिक सरोकार इनका रहा नहीं है कोई। पिछले 5 साल के संसद के कार्यकाल में इन्होंने जनता के हितों के लिए गाजीपुर के एक भी सवाल संसद में नहीं उठाया कभी, और फिर ये देखिए बेशर्मी कि फिर ये जनता के बीच आ गए, और ये जानते हुए कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सजाए याफ्ता मुजरिम हूँ। हालांकि वो ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बिटिया को सामने लाया था। अब क्या बात हुई, क्यों उसे नहीं लड़ाया, फिर अपने चुनाव लड़े, मुखिया कितना गैर जिम्मेदाराना, अखिलेश जी ने काम किया कि इतना न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट किया कि जिस व्यक्ति को जानते थे भाई कैंडिडेट के सामने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की सारी चीज़ें रखी जाती हैं कि ये चीज़ें आप एफिडेविट के रूप में देंगे कि हम चुनाव लड़ने के योग्य हैं कि नहीं हैं। आप उसमें कुछ छुपा नहीं सकते हैं, छुपा जाएंगे एफिडेविट है तो आपके ऊपर वैसे फोर्जरी का केस लगेगा, गलत एफिडेविट देने का। तो आप इन चीज़ों को, तथ्यों को छुपा ले गए या बताए, और बताए तो बताने के बाद इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत अखिलेश जी ने की है गाजीपुर के जनता के साथ, गाजीपुर की जनता आज ठगी महसूस कर रही है। तो ये चीज़ें पहले से पता थी, क्लियर कट वर्डिक्ट था संसद में, पता था आज लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था। इन लोगों की हरकत से जो विपक्षी एकता थी तार तार हो गई, संविधान को लेके चल रहे थे लोग, संविधान का खुला मजाक इन लोगों ने उड़ाया है। जो व्यक्ति आप जो एलिजिबल नहीं है उसको लेके घुस जा रहे हैं संसद में, कैसे घुस गए भाई।